दोस्तों बिहार विधानसभा में जो है बंपर भर्ती निकल के आ चुका है। ये वैकेंसी पहले भी आया हुआ था, टोटल यहाँ पे जो है 7-8 विज्ञापन है जो कि पहले भी आया था, लेकिन रीओपन किया जा रहा है। रीओपन होने का कारण क्या है दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया था टोटल यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट था, और अगर हम आपको नाम बताएं तो आप लोग फॉर्म भी भरे होंगे। यहाँ पे आपको जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सुरक्षा प्रहरी हो गया, कार्यालय परिचारी हो गया, ड्राइवर हो गया, सहायक यहाँ पे जो है प्रशाखा पदाधिकारी हो गया, उसके अलावा दोस्तों यहाँ जो है कनीय लिपिक यानी कि क्लर्क हो गया। टोटल यहां पे 8 विज्ञापन संख्या है। ये सारा विज्ञापन जो है पहले भी ऑनलाइन लिया गया था, लेकिन रीओपन किया जा रहा है। रीओपन होने का कारण क्या है दोस्तों, ये मामला जो है यहां पे उच्च न्यायालय में चला गया था। जो लोग भी यहां पे जो है मामला दाखिला किए थे, और उसके बाद दोस्तों ये इसका जो फैसला आया है उसके अनुसार दोस्तों इसमें संशोधन किया गया है, यानी कि पोस्ट में भी संशोधन किया गया है। कुछ पोस्ट को बढ़ाया भी गया है, कुछ पोस्ट को घटाया भी गया है। ऐसे में दोस्तों यहां पे रीओपन जो है, जब यहाँ पे जो है नई दिल्ली में, जब उच्च न्यायालय में दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली के बाद दोस्तों ये जो फैसला आया है, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परामर्श के बाद दोस्तों फिर से इसे रीओपन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों ये जो है बात करें कौन कौन सा पोस्ट है और कौन कौन सा विज्ञापन संख्या है उसके बारे में, और साथ में बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, और जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं यानी कि दोस्तों ये सारा विज्ञापन संख्या बिहार विधानसभा सचिवालय में जो आया था और जो पहले आवेदन कर चुके हैं, क्या उनको फिर से आवेदन करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, किस मतलब कि जो भी प्रक्रिया है डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि दोस्तों यहां पे जो है हम टोटल 8 विज्ञापन संख्या के ऊपर बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है इसका, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट है यह समझा देते हैं और विज्ञापन संख्या समझा देते हैं, ताकि आप लोग को जो है दिमाग में बात आ जाए कि आप लोग भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं, ताकि आप आगे भी शेयर कर सके। सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो है आपका विज्ञापन संख्या जो है हम यहां पर बताए देख सकते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों विज्ञापन संख्या 02/2023 है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी का पोस्ट आया था, सबको पता है। उसके अलावा विज्ञापन संख्या यहाँ पे नेक्स्ट जो है 03/2023 है, जिसके अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। उसके अलावा 04/2023 है, जो कि यहाँ पे इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है। इसी तरीके से 05/2023 है, इसके अंतर्गत यहाँ पे कार्यालय परिचारी का पोस्ट होने वाला है, जिसमें अलग अलग आपको पता है सीट है। उसके अलावा यहाँ पे विज्ञापन नेक्स्ट जो है यहाँ पे 01/2024 है, जिसके अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक का पोस्ट होने वाला है। तो ये जो है आगे नेक्स्ट है विज्ञापन संख्या जो है 02/2024 है, जो कि यहाँ पे कनीय लिपिक का पोस्ट होने वाला है, क्लर्क का। विज्ञापन संख्या नेक्स्ट है जो कि 03/2024 है, इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो है जो पोस्ट होने वाला है यहाँ पे प्रतिवेदक का होने वाला है, निजी सहायक का होने वाला है, आशु लिपिक का होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है आपको विज्ञापन संख्या 04/2024 है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो पद होने वाला है पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी जो कि दरवान है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे माली हो गया, सफाई कर्मी हो गया, जो यहाँ पे पोस्ट आया था कार्यालय परिचारी में अंतर्गत यहाँ पे ने अलग अलग, तो इसके अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ था, इस सब में संशोधन किया गया है। तो ये आप पोस्ट समझ लिए और यहाँ पे विज्ञापन संख्या समझ लिए। अब दोस्तों आपको बात कर रहे थे इस विज्ञापन संख्या के बारे में, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों ये रीओपन जो होने जा रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 29 नवंबर 11 बजे से आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। लास्ट ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 13 दिसंबर है और पेमेंट भुगतान करने का तिथि 15 दिसंबर तक रखा गया है। अब बात करें दोस्तों इसमें जो है आपको जो लोग ऑनलाइन कर चुके हैं क्या उनको फिर से ऑनलाइन करना होगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहां पे बताया गया उप विज्ञापन के आलोक में वैसे विद्यार्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं वह पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको ऑनलाइन नहीं करना है। उक्त विज्ञापन के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी के पास अपना शैक्षणिक योग्यता का मतलब शैक्षणिक योग्यता है या अन्य अवांछनीय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था, तो सभी प्रकार के पत्रों को दोस्तों अपलोड करना सुनिश्चित करें। मान लीजिए अगर आपने दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पहले किया है तो आवेदन तो नहीं करना, लेकिन अगर आप लोग जो है उस टाइम जो है ये आपका जो डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो अपलोड नहीं कर पाए थे तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ये दोस्तों बताया जा रहा है। बाकी नए अभ्यर्थी लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सीट का भी संख्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस नोटिफिकेशन का, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग देख पाएंगे किसके लिए कितना पोस्ट है। तो ये जानकारी हम अगर आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, हम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन का नहीं। तो दोस्तों सुरक्षा प्रहरी का 80 पोस्ट है, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको विज्ञापन जो देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, 40 पोस्ट होने वाला है। और आरक्षित इसमें 35% सम में जो है यहाँ पे रखा गया है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण ये क्लियर हो चुका है जो कि इसमें पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा तो इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट विज्ञापन संख्या के अनुसार यहाँ पे जो पोस्ट होने वाला है सीधी भर्ती, जो विज्ञापन संख्या चालक का ड्राइवर का है 10 पोस्ट होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसका देख लीजिएगा किसका कितना भर्ती होने वाला है। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन समझते हैं दोस्तों। एक चीज बता देते हैं, इस विज्ञापन में जो है साफ साफ पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जो बाकी शैक्षणिक योग्यता हो गया ये एलिजिबिलिटी वगैरह जो पहले के विज्ञापन में आया था वही वाला रहेगा सेम। तो हम यहाँ पे पुराना वाला जो है आर्टिकल ओपन कर लेते हैं और इसमें दोस्तों आपको पुराना वाला आर्टिकल के अनुसार हम आपको जानकारी बता दें इसमें कितना पैसा लगने वाला है, ये भी जानकारी दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की बात। तो क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे हम कार्यालय परिचारी की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको जो है पुस्तकालय परिचारी है, जो कि दोस्तों पुस्तकालय परिचारी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपको जो है मैट्रिक जो है अगर आप पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कार्यालय परिचारी में सब में मैट्रिक पास रखा गया है। कार्यालय परिचारी दरवान है इसमें भी मैट्रिक पास रखा गया है, कार्यालय परिचालय माली है इसमें भी मैट्रिक पास रखा गया है, उसके अलावा कार्यालय परिचारी सफाई कर्मचारी है, उसके बाद यहाँ पे जो भी है ये सब मैट्रिक पास रखा गया है। इसमें मैट्रिक पास लोग आवेदन कर पाएंगे जो कार्यालय परिचारी का पोस्ट होने वाला है। अब इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की, पोस्ट वगैरह तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो लिंक दिए हैं उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबका अलग अलग पोस्ट तो होता ही है, लेकिन इसमें एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने में दोस्तों पहले तो पैसा लग रहा था, जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बिहार के मूल निवासी है और पिछड़ा वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं तो उनको 400 रुपया देना पड़ेगा बाकी। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जो अनुसूचित जाति ST SC के अंतर्गत आते हैं या विकलांग है उनको दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। और इसमें महिलाओं की बात करें तो बिहार के बाहर के महिला उनको 400 रुपया और बिहार के महिला को 100 रुपया लगने वाला है। तो ये हम बात कर लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं और जो पोस्ट होने वाला है आपका यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर सिक्योरिटी गार्ड, इसकी बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड का दोस्तों जो भर्ती है इसमें दोस्तों आपको जो है 12th पास रखा गया है, अगर आप 12वीं पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें दोस्तों जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा 12वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, और साथ में दोस्तों आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको जो है टाइपिंग स्पीड और यहाँ पे जो है आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है अगर आप DCA का पोस्ट कम से कम डिप्लोमा कर रखे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यह बताया गया है कि आपका टाइपिंग जो है 8000 की प्रतिशत जो है प्रति घंटा कंप्यूटर पर होना चाहिए, जो कि आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको ड्राइवर का, तो ड्राइवर का दोस्तों आपको जो है 10th पास रखा गया है, अगर मैट्रिक पास ड्राइवर है तो अप्लाई करेंगे, साथ में उनको जो है वैध लाइसेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो है व्हीकल दिया गया है आपको दोनों जो है लाइसेंस होना चाहिए, जो कि जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का, यहाँ पे अटेंडेंट का पोस्ट है सॉरी, जो कि ये भी आपको मैट्रिक पास होने वाला है, जो कि ज़्यादातर पोस्ट इसमें मैट्रिक पास है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों अगर आप बात करें पैसा की तो सेम पैसा यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जैसे बाकी को लगने वाला है 675 रुपया, 180 रुपया लगने वाला है ST SC, और बिहार का जो महिला है उनको लगने वाला है और विकलांग है उनको लगने वाला है। बाकी दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारा पोस्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे ही नहीं हमें लगता है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए, और भी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पे जो है स्क्रॉल करते हैं, जो पोस्ट है नीचे यहाँ पे अब आ गया यहाँ पे, जो कि दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट होने वाला है यहाँ पे रिपोर्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रतिवेदक, ये जो पोस्ट है ये किसी भी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, साथ में आपको दोस्तों यहाँ पे प्रतिवेदक के लिए हिंदी में जो है आशुलिपिक जो है 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और आशुलिपिक की गति अनिवार्य है, ये दिमाग में रख लेना है, 150 शब्द प्रति मिनट। वही अंग्रेजी में टंकन जो है यहाँ पे 30 से 35 आपको जो है मिनट प्रति होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। वही दोस्तों निजी सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में यहाँ पे हिंदी आशुलिपिक में जो है 100 शब्द प्रति मिनट जो है आपका होना चाहिए। वही दोस्तों गति अनिवार्य है तथा हिंदी अंग्रेजी में टंकन जो है
यहाँ पे 30 से 35 मिनट प्रति मिनट गति होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है आशुलिपि का है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट होने वाला है, जो कि इसमें भी आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में यहाँ पे जो है आशुलिपिक जो है यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी में जो है टंकन जो है 30 से 35 मिनट जो है प्रति गति होना चाहिए, तो ये ध्यान में रख लेना है। अब नेक्स्ट जो पोस्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है दोस्तों यहाँ पे आपको और भी पोस्ट बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और यहाँ पे सहायक अवधायक, ये दोनों पोस्ट है। तो इसमें दोस्तों आपको ग्रेजुएशन पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने शॉर्टकट आपको जो है जानकारी क्वालिफिकेशन का बता दिया है, और बाकी और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिलेगा वीडियो का, जिसमें आपको हमने प्रॉपर जानकारी दिया है। उसमें बहुत सारा चीज जो है नया वाला में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो है पोस्ट वगैरह संशोधन किया गया है, बाकी आपको एज लिमिट पैसा ये सब जो है आपको पुराना वाला ही रहने वाला है। तो ये दिमाग में रख लेना है, ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया वाला में जो है ये मामला जब कोर्ट में गया था तो उसमें दोस्तों पोस्ट के प्रति ये मामला गया था कि जैसे आरक्षण वगैरह के प्रति, तो ये सब के अनुसार नया से जो है फिर से पोस्ट आया है। तो ये जानकारी था दोस्तों, आई होप आप सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। कोई और जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।